शारदा बीबी, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो हिसाब बनता होगा वो हम आपको दे देंगे, आप जाइए। छोटी भाभी बड़ी भाभी को हाँ है ना शारदा, जाओ यहाँ से। फहमी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाबर के घर में एक रस्म है, मतलब उनका रिवायती हिसाब है ये कि जहेज वो लोग कैश की फॉर्म में ही लेते हैं सिर्फ। इमल, तुम फिक्र मत करो, मैं और फाखर तुम्हारे साथ ये नहीं होने देंगे। तुम दोनों कैसे रोकेंगे इस शादी को? कौन सुनेगा तुम्हारी बात? अगर हम दोनों को बड़ा बना दिया तो हमें की बात भी ऐसी ही सुननी चाहिए उनको। हम करेंगे तुम्हारे लिए कुछ, तुम फिक्र मत करो। ठीक कह रही है एनी, जो हम लोग ने बख्शा है वो हम भी कोशिश करेंगे कि कोई और ना फेस करे। कोशिश ही कर सकते हैं हम, और मम्मा भी यही कह रही हैं कि वो भी इस फैसले के खिलाफ ही। फाखिर, हम ड्राइंग रूम में जाके देखते हैं कि वो क्या रहा है, इससे पहले सारी बात पक्की हो जाए। माशाल्लाह, सैलरी तो बहुत अच्छी है आपकी, मैं कह तो रही थी तुमसे। खुदा का खौफ करें पप्पू, बेचारी बिन बाप की बच्ची है, ऐसे किसी की भी हवाले कर देंगे आप? मतलब क्या बातें कर रहे हो, बिन बाप की बच्ची है इसीलिए तो ये काम करा रहे हैं ना, नेकी का काम होता है यतीम बच्चियों की शादियां कराना, बीच में आके बोल रहे हैं। और उस यतीम बच्चे की उम्र है शादी की? मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग जबरदस्ती कैसे कर सकते हो उसके साथ। तुम कौन हो और तुम होती कौन हो हमारे मामलात में दखल देने वाली? बड़ों के मामलात में बच्चों का क्या काम? बच्ची नहीं हूं मैं, बल्कि एक बच्ची की माँ हूं मैं। और मेरे लिए भी ना एक ऐसा ही फैसला हुआ था, और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उस फैसले ने। मैं एमन के लिए या फिर किसी और लड़की के लिए ऐसा फैसला नहीं होने दूंगी। तुम इन मामलात से दूर रहो, खुदा का वास्ता। इन सारे मामलात में ना इसका ज्यादा तजुर्बा है और बहुत बुरा वाला। जब उसकी माँ को कोई एतराज नहीं है तो तुम लोग कौन हो बीच में बोलने वाले? तुम बच्ची हो, बच्ची रहो। छोटी नहीं हूँ मैं राहिल आंटी, और अगर मैं छोटी थी तो फिर आप लोगों ने मेरी शादी क्यों करवाई? मैं एमन की वो कजन हूँ जिसके लिए एक ऐसे ही गलत फैसला हुआ था और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मैं कितनी दफा मरते मरते बची हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। पप्पू, आपने देखा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, फिर भी आप अपनी बेटी के साथ वही करने जा रही हैं? आप लोग प्लीज जाए यहाँ से, क्योंकि मैं ये नहीं होने दूंगी। सुना नहीं है आप लोगों ने एनी ने क्या कहा है? आप लोग तशरीफ ले जाइए यहाँ से। चलो चलो उठो बाबर, यहाँ तो हम अपनी इंसल्ट करवाने के लिए आए थे। आओ चलो, आजो नहीं नहीं बस सही है, हमारी इंसल्ट करने के लिए बुलाया था। ना क्या करूँ उसमें, तुम्हारे जानने वाले हैं ना। अब एनी इतनी मजाल इनकी, जब तुम्हारे घर पे कोई राजी ही नहीं था इस रिश्ते के लिए तो मेरी बहन और भांजे को क्यों बुलवाया तुम्हें समझता हूँ। एनी, अब खुश होगी तुम? ये सब तुम्हारी वजह से है। आने दो आजा भाई भाई को, तुम्हारी तो अच्छी तरह से शामत लगाऊंगी मैं। अपना घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब क्यों खोटे करने चली हो तुम? नसीब खोटे तो गलत फैसलों से होते हैं पप्पू। और अब्बा बता दें आपने, उनकी डांट तो वैसे भी बचपन से सुनती हुई आई हूँ, पेमेंट के लिए एक और सही। अच्छा अभी उससे ये बातें यहाँ करने के लिए चलो, यहाँ से इनको समझ भी नहीं आ रही। चलो वैसे फहमी, जितनी अकल और समझ एनी में है ना, इस घर में हम बड़ों में भी नहीं हो। वैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बचा ली उसने, बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है।
लेकिन शायद अभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, बहुत बाद में होगा। अब तो मत रो ऐसे, सब ठीक हो गया, वापस भेज दिया मैंने फासिल ने। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच यार, मुझे ज्यादा करनी नहीं थी। अम्मी ने अब तक आवाज तो नहीं की, चुप कर रह दिया था मुझे। और अब हमने ना उन सबको चुप करवा दिया जो तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाना चाह रहे थे। छुप तुम ऐसे मत रो, तुम पढ़ सकती हो। ये जिंदगी में जो तुम्हारे आगे जाने के इरादे हैं ना, वो इन सबको पूरे भी कर सकती हूँ। लेकिन तुम लोगों ने किया कैसे? बस तुम्हारी अम्मी से थोड़ी सी डांट सुनी है और अब अब्बा से थोड़ी डांट छीन लेंगे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बुरा करती रही, तुम से जलती रही, तुम मेरे लिए सबसे लड़ रही हो। मोबाइल बताओ, 100 दफा और लौटती कि जो मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ है। तुम्हारी शादी जरूर होगी, मैं वादा है तुमसे कि तुम्हारी शादी जरूर होगी, लेकिन तब होगी जब तुम्हारी शादी की उम्र होगी। I'm sorry, Annie. Please, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम सचात पप्पा के लिए रोई थी। मुझे लगता है कि हम सबको तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना चाहिए और कि हम सबका प्यार मिला के भी वो सचात पप्पा की जगह कभी भी नहीं दे सकता। बोला था आपको एमन के रिश्ते वाले आ रहे हैं, आपको आना है उसमें। वो गाड़ी खराब हो गई थी मेरी, मैं मैकेनिक के पास चला। तुम बताओ सब ठीक हो गया? क्या खाक ठीक हुआ है अभी? आपकी बेटी ने सारी बात बिगाड़ दी है यार। एनी, क्या किया उसने? उन लोगों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अभी मेरी शक्ल देख देखना गवारा नहीं करेंगे वो लोग दोबारा जो हुआ है उनके साथ। उसके बाद फोन करी थी माफिया मांगने के लिए, फोन तक नहीं उठाया। हमेशा बात बिगाड़ देती है लड़की यार। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, मैं एनी से बात करता हूँ, गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। करें बात फिर। तुम अभी आराम से बैठो ना, मैं हाथ वाथ धो लूं, मैं जाके बात करता हूँ एनी से। तुम बैठ जाओ ना आराम से। राहिला, मैं कर रहा हूँ बात उससे जाके। क्या सोच रही हो? सायका तुमसे कह रहा हूं। कुछ नहीं, बस हम सोच रहे थे कि एनी में कितनी हिम्मत है, जो काम हम और समीना भाभी नहीं करवा सके फैमिली से वो एनी ने करवा दिया। खैर छोड़ो, तुम ये जरा यहाँ साइन कर दो। ये किस चीज के कागजात है फराज सर? मस्कत जाने के लिए कुछ जरूरी कागजात हैं। बाहर ले जाओ ना फैमिली को, तो बीवी के भी दस्तखत चाहिए होते हैं। शनाख्ती कार्ड भी दो, इसकी कॉपी लगेगी सर। शनाख्ती कार्ड तो उस दराज में आप ले लीजिएगा, फिर खुद ही करा लीजिएगा, हम साइन कर देते हैं।
बस अब जल्दी से हमारे जाने का हो जाए, उकता गए हो इस जिंदगी से, सब कुछ किसी और का, अपनी तो किसी चीज पे इख्तियार ही नहीं। सायका बेगम, अभी तो तुम्हारा शौहर भी किसी और का होने जा रहा है। साइन कर दी है तुमने शौहर की दूसरी शादी के इजाजतनामे पर। मैं कॉपी करा के आता हूँ। पानी ले आइएगा। अभी लाता हूँ। फिर तुम्हें पता है कल मैं कितना रो रही थी? तुम तो कल रो रही थी ना, हम तो जिंदगी भर ही रोएंगे। तुम्हें नहीं लगता कि शादी के बाद हमारी जिंदगी पे फुल स्टॉप लग गई है? फुल स्टॉप का तो नहीं पता, लेकिन जिंदगी की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई है। तुम्हें कभी खुद बुरा नहीं लगता कि जब दोस्तों में बैठी होती है और एकदम से उठ के भागना पड़ता है कॉल करने के लिए घर पे कि तनाया कैसी है, या कभी एहसास हुआ हो कि किताब पढ़ी हो दूसरे हाथ से जो डायपर चेंज? इस बात से खुश हो कि कम अज कम पढ़ तो पा रही। पढ़ो का फैसला था, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा ना हमें। ये पढ़ाई की खुशी मुझे नहीं मिल सकती कभी, मुतमईन हो गया उस चीज। देखो जरा आईने में, एनी का शोहर फाखिर, सवीन अहमद का बेटा फाखिर, अनाया का वो फाखिर, जहीर अहमद का खलौता वारिस फाखिर, मैं खुद का क्या हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं। इन सब झंझटों में फाखिर हो गया कहीं? सही कह रहे हो, मुझे और बड़ी अम्मी को तुम्हारे बाहर जाने और पढ़ने से इश्यूज हैं फाखिर। खैर, बहुत बदतमीज हो गई है तुम। कल क्या किया तुमने मेहमानों के साथ? राहिला ने मुझे बताया, मैं आया था तुम्हारे कमरे में मगर तुम सो रही थी। कोई गलत काम तो नहीं किया है अब्बा? जो होने जा रहा था बस वो रुका। जब घर के बड़े मौजूद हैं तो तुम होती कौन हो फैसला करने वाली? हाँ पर ये जो घर के बड़े कभी कभी फैसले करते हैं ना, कभी कभी ना ये ठीक नहीं होता। इसी चीज ने तो मुझे सिखाया है कि छोटी उम्र की शादी सही नहीं है। राहिला की उसके जानने वालों के सामने कल बेइज्जती हुई है,
नेकी करने जा रही थी, हेमन की शादी हो जाती तो उसका मुस्तकबिल बन जाता। अगर मैंने इतना कोई गलत काम किया होता तो फिर आपने तो कहा कि आप रात में मेरे कमरे में आए थे और मैं सो रही थी। अगर कोई इतना बुरा काम करता है तो फिर वो इतनी गहरी नींद सो नहीं पाता। जो देर हो रही है अब तो मैं निकलती हूँ। कल मेरा एंट्री टेस्ट है और तुम मुँह लटकाए नाजिल हो गया हो, परेशानी क्या है यार? परेशानी ना, मैं तुझे बताता हूँ क्या है। परेशानी ये है कि मेरे घर में ना किसी को ये समझ नहीं आता कि मेरी परेशानी क्या है। सबको सिर्फ ये लगता है कि इस बेबक की शादी से जो है ना एनी को मसलू है, मुझे कुछ नहीं हो। लेकिन ये तो सच है ना यार, तो खुद ही तो बता रहा था कि वो बेचारी बेहोश हो गई है, दो दिन अस्पताल में रही है, कोई मामूली बात थोड़ी है। यार मैं जानता हूँ कि भाई उसको हेल्थ इश्यूज हुए हैं शादी के बाद, लेकिन कुछ मेंटल स्ट्रेस भी होता है जो बंदा रहता है, वो मैं झेल रहा हूँ उसके साथ साथ, वो भी कर रही है। लेकिन कोई मेरे भी तो मसले समझे, मतलब मैं इस उम्र में वो जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ जो मेरे अब्बा निभा रहे थे। किसी को मेरी तकलीफ से कोई परवाह नहीं। सही बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एनी को बच्ची भी संभालनी है और घर भी देखना है, तो इसलिए उसके ज़्यादा मसले मसाइल है। मेरे मसले नहीं है क्या भाई? मेरे भी है, मतलब मेरी ज़िंदगी शादी के बाद 360 डिग्री चेंज हुई है। तो अगर खुद मुझे बता, मेरे वो एम्स नहीं थे क्या? थे ना, बिल्कुल थे। मतलब कितनी अच्छी क्रिकेट खेलता था मैं, फिर मतलब टीम का कैप्टन था मैं हमारे स्कूल की। अगर कुछ नहीं बना तो मैं जो हूँ वो क्रिकेट ही खेल लूँगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, क्रिकेटर बन जाएंगे। अगर नहीं पढ़ पाया, लेकिन कुछ कर पाया नहीं। उसके अलावा भाई मुझे साइंस से ज़्यादा जो है ना कॉमर्स पसंद थी। मैंने सोचा हुआ था कि चलो बाबा से ही कह दूंगा कि बाबा मेरी यार प्लीज़ फील्ड चेंज करवा दे, मुझे आईटी का शौक़ है। कर पाया ना कुछ, एक भी मैं अपना एम जो है वो अचीव कर पाया, नहीं कर पाया। और आप कहते हैं कि निकाह नामा पे साइन किए, भाई निकाह नामा पे साइन नहीं किया मैंने, अपने सारे गोल्स, अपने एम्बिशंस, अपने शौक उनकी मौत पे साइन किया मैंने। देखो फाखर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझसे बात करो, अपना दिल हल्का करो। मैं जानता हूँ कि हम दोस्तों में तुम सबसे पीछे रह गए, और अगर अब तुम स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हो तो मेरा ख्याल है कि आंटी और रैनी को तुम्हें नहीं रोकना चाहिए यार, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा एक काम करो, मुझे बताओ कुछ खाना है कुछ पीना है? वाओ, वेटर को बुलाओ। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं समीना भाभी, हम क्यों देने लगे दूसरी शादी की इजाज़त? वो तो कहते कि मस्कत जाने के लिए फैमिली वीजा के साइन लेने हैं। अरे दस्तखत है इस पर, तुमने इजाजत दी है फराज भाई को दूसरी शादी करने की, इसीलिए कहते हैं कि साइन करने से पहले पढ़ लेते हैं कागजात, या अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी दूसरे से पढ़वा लेते हैं। ये दस्तखत किए, तुमने इजाजत दी है फराज को दूसरी शादी की? वाला हालत से नहीं उतर, इतनी इज्जत भी हुई है मेरे जानने वालों के सामने में, कोई समझने वाला नहीं इस बार। मुझे एहसास है तुम्हारी बेइज्जती का, मैं इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्लास लिया नहीं की? अभी उसे ही डांट कर आ रहा हूँ, अभी अभी। झूठ बोल रहे हो ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अच्छा, जितनी बदतमीज है वो, अगर डांटा होता उसे तुमने तो घर में एक हंगामा खड़ा हुआ होता। अभी क्यों हंगामा करेगी वो, बाप हूं मैं उसका, मजाल मेरे सामने कुछ बोले, मैं डांटता रहा और वो खामोशी से सुनती रही। अच्छा डांटा है उसे तुमने? हाँ। ठीक है, तो उससे कहो ना कि मेरे साथ चल के माफी मांगी उन लोगों से। ये तो अब नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि बीवी की तो कोई इज्जत है ही नहीं, बेटी की इज्जत प्यारी है बस। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि तुम इस मामले को खत्म कर दो,
कुछ अरसे बाद ऐमन के लिए कोई और रिश्ता तलाश कर लेना। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने तो थूकना भी नहीं है ना अब इस घर पे, कोई ऐरे गए लोग नहीं है वो। मैं बस ये चाह रही थी कि तेरे चाहने वाले उनके सामने में तू इज्जत रह जाए बस। और अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम जाने दो इस बात को, रफा दफा करो। मैं कुछ अरसे में एनी को तैयार कर लूंगा, वो चल के माफी मांग ले, ठीक है? तुम लो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तुम ये लो खा लो। क्या दूं, सेब? कुछ नहीं खाया जाएगा मुझसे। डॉक्टर ने मना किया है ना गुस्सा करने से, भूखा रहने से। इधर तो देखो, ये खा लो ना प्लीज। पर इन दिनों बाद ये शर्ट पहनी है, अच्छी लग रही है आप पे। अच्छी लग रही, ठीक है। हाँ लेकिन ये घबराहट इतनी क्यों है, इसे हटाएं चेहरे से। नहीं घबराया हुआ तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ, काम इतना बड़ा है ना तो। अरे क्या हो गया फराज साहब, एक इंटरव्यू तो है, यहाँ नहीं होगा तो कहीं और दे दीजिएगा। इंटरव्यू तो है, मैंने फाखर से गाड़ी उधार ली है, जरा रोप रहेगा ना। आप तो कह रहे थे कि मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। अरे यार ब्लॉक ही कर दिया था, पता नहीं दूसरे नंबरों से कॉल करती है तो कर दूंगा ना इसे भी ब्लॉक, क्यों परेशान होती हो, फिक्र नहीं करो। हाँ अरे फराज साहब आपका कागज, फराज साहब क्या हुआ? कुछ नहीं समीना भाभी, ये फराज साहब का अहम कागज लिफाफे से गिर गया, अभी साइन कराया था हमसे। क्या है ये, क्या दस्तखत कराया? कोई कागजात थे उनके। हाँ अरे ये तुमसे दस्तखत कराए, तुमने किए? हाँ अभी किए। अपने फराज भाई को दूसरी शादी की इजाजत दी है क्या? दूसरी शादी? हाँ ये तुम्हारे दस्तखत है, ये इसी का इजाजत नामा है। नहीं नहीं समीना भाभी, हम क्यों देने लगे दूसरी शादी की इजाजत, वो तो कहते कि मस्कत जाने के लिए फैमिली वीजा के साइन लेने हैं। अरे दस्तखत है इस पर, तुमने इजाजत दी है फराज भाई को दूसरी शादी करने की, इसीलिए कहते हैं कि साइन करने से पहले पढ़ लेते हैं कागजात, या अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी दूसरे से पढ़वा लेते हैं। ये दस्तखत किए, तुमने इजाजत दी है फराज को दूसरी शादी की। अब क्या होगा समीना भाभी, वो शाजिया क्या करें? कुछ बताएं समीना भाभी, हम कॉल करें फराज साहब को। आप आए हमारे साथ भाई, उसकी कॉपी है, असली तो उसके पास होगा। ऐमन ऐमन देखो बेटा, ऐसे उदास नहीं हो, तुम देखना एनी ने जो तुम्हारे साथ किया ना उसके सामने जरूर आएगा। अम्मी एनी के आगे जो आया है ना उसने मुझे उसी से तो बचाया है। क्या मतलब? उसने तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया है अमन, और तुम कह रही कि उसने तुम्हें बचाया है? जी अम्मी, एनी ने मुझे सिचुएशन से बचाया है जिसमें आप और रायला आंटी मुझे डालने जा रही थी। अच्छा तो एनी ने अपनी उल्टी पट्टी तुम्हें भी पढ़ा दी है, क्या हो गया है मन तुम्हें? कल को मैं मर मरा गई तो सोचा है कि तुम्हारा क्या होगा? वही होगा जो किसने तुम्हें लिखा होगा। जहीर मामू ने भी तो अपने मौत के डर से फाखर और एनी की जल्दी शादी कर दी थी, देखा आपने उन्हें, खुश नहीं है वो लोग। मेरी भी अगर इस उम्र में शादी हो जाएगी तो मैं भी उन्हीं मसलों में पड़ जाऊंगी। अभी Thank you.
फाखिर ने पता लगा लिया है कि वो लोग कहाँ हैं। अब देर नहीं करो, जल्दी चलो। जी जी चलिए, आप पानी पिए और हम चलते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ। अच्छा तो परेशान हो। अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या बाबर के घर वालों से माफी मांगने जा रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है फेमी, और तुम अपनी बेटी की शादी की पड़ी हुई है। अरे तुमसे अच्छी तो हमारी भाभियां हमारे साथ खड़ी हैं इस मुश्किल वक्त में। बस भाभी शादी आने वाली होगी तो अनाया को देख लेगी वो, तो हम सब चलते हैं जल्दी से। नहीं छोड़ सकती मैं उसको, ऐसा करो चलो तुम लोग जाओ, मैं रुकती हूँ। ठीक 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 है, मैं जरूर जाऊंगी। चले चले अब मैं भी चलती हूँ साथ। चलो 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 सब चलो 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 भाभी। हाँ हाँ ये मुझे दो, जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ फराज, परेशान क्यों हो तुम? तुम तो बीवी से इजाजत लेकर कानूनी तौर पे ये निकाह कर रहे हो ना? बस मौलवी साहब आते ही होंगे, जब तक तुम ये पेपर्स पे साइन कर दो। पेपर्स? क्या है ये? यही कि शादी के बाद तुम अपने बीवी बच्चों से कभी नहीं मिलो। क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों करूंगा इस पे साइन? क्या हो गया शाजिया? तुमने कहा था कि मैं शादी के बाद बच्चों से मिल लिया करूंगा, तुम्हें कोई एतराज नहीं है, और अब तुम? एक मिनट फराज, बहुत तेज जा रहे हो तुम। तुम ये चाहते हो कि तुम दोनों शादियां साथ साथ चलाते रहो, यानी कि घर गाड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल तुम यहाँ से लो और अपना टाइम और तवज्जा तुम वहाँ पर दो। ऐसा क्यों चाहूंगी मैं? शाजिया ये वादा खिलाफी है, हमारे बीच में ये तय हुआ था कि कोई वादा खिलाफी नहीं की। देखो फराज, चाहती हूँ कि शादी के बाद हम बाहर सेटल हो जाए, उसके बाद भी तो तुमने बीवी बच्चों से दूर ही रहना है ना? शाजिया तुम्हें पता है मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करता हूँ, कैसे? बख्शो गेट खोल दो, मौलवी साहब आए होंगे निकाह पढ़ाने के लिए। कुछ नहीं होता फराज, ये सब वक्त ही होता है। नहीं नहीं शाजिया, ये ठीक नहीं। फराज फराज भाई, क्या कर रहे हैं आप? धोखे दस्तखत करवा लिया आपने सायका से? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरे दुनिया में मेरा इशारा मिला था। सायका देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें, समझाता हूँ मैं। मुझे नहीं समझना। उसको क्यों? क्यों ना लेके आऊँ? देखें आपके बच्चे भी। सायका जानती थी ना, जानती थी कि उनकी शादी हुई नहीं है, फिर भी शादी करने चली थी। ये बात तो फराज खुद भी जानता है ना कि वो शादीशुदा है, खुद राजी हुआ है ना ये? अरे राजी हुआ है नहीं, राजी हुआ था। फराज ये क्या बात हुई? अपनी बीवी और उसके घर वालों को देखते ही तुमने इरादा बदल दिया? धोखा दे रहे हो तुम मुझे। धोखा इन्होंने नहीं, धोखा तुमने किया है। पैसों के झांसे में फंसा के, पैसों की लालच देके बच्चों को बर्बाद करने चली थी। शर्म करो कुछ। इस जिंदगी में एक बात तो समझ में आ गई सायका, किस तरह के मामलात में इस तरह की औरतों का नहीं फराज भाई और हबीब जैसे मर्दों का भी हाथ होता है। सही कहती हो आयशा, जानते हैं आपका बेटा बाहर खड़ा है, अंदर आने की हिम्मत नहीं है उसकी, ये करतूत देखने की हिम्मत नहीं है उसकी। मैं असल माफी मांग सकता हूँ सायका, मुझे इसने धोखा दिया है, झूठ बोला, मुझसे कहा कि बच्चों से
बच्चों से दूर रहना होगा। और तुम लोग आ गए हो तो अगर नहीं भी आते तो मैं खुद से मना कर देता। बच्चों को नहीं लाती तुम साइका? साइका घर चलो, ये सारी बातें घर जाके कर लेंगे। फराज भाई आप भी चले यहां से, घर चले अपने। आ जाए फराज भाई। कहाँ जा रहे हो फराज? धोखा दिया तुमने मुझे। धोखा तुमने दिया और जो भी सजा मिलेगी ना मुझे वो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रहूंगा। फराज मेरी, फराज तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। उठा रहा है काम का क्या हुआ है? ये तो कम लग रहे जेवर। कम है? मैंने अपना कट रख लिया। इससे कैसे कट रख लिया आपने? ज्यादा ही निकाल ली इसमें से। तो काम ही इतना बड़ा करवाया था आपने, बहुत खतरा था इसके अंदर, मुश्किल काम था ये। खैर जो रख लिया आपने। हेलो, अंदाजा हुआ कुछ मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती करवा के, और जो आगे होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब एनी बिल्कुल ऐसी ही है, सरफिरी सी, हर किसी से बदतमीजी करती है। अच्छा मेरा कोई कसूर थोड़ी है अकरम साहब। कसूर तुम्हारा है राहिला बेगम। पहले अपने घर वालों को पक्का करना था ना, क्यों बुलाया मेरी बहन को? खैर अब इन बातों का क्या फायदा, जो होना था हो गया, अब जो आगे होगा हाँ वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पता तो चले तुम्हारे शौहर को तुम्हारी करतूतों का कि क्या करती घूम रही हो। बड़ा प्यार है ना उसे तुमसे। देखता हूँ ये सब सुनने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करता है। हबीब जब ये सुनेगा ना तो तुम्हें घसीटते हुए घर से धक्के दे के बाहर निकालेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा बेइज्जती होती क्या है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब मैं इन्हीं से बात करती हूँ ना, वो आके ताबिंदा से माफी मांगेगी, मेरी पोल पट्टियां खोल के क्या मिल जाएगा आपको? माफी मांगने का वक्त गया, अब वक्त है पोल खुलने का। मेरी बहन और मेरे भांजे की जो बेइज्जती करवाई है ना, इसका हिसाब अगर सूद समेत वापिस ना लिया ना राहिला बेगम, मेरा नाम भी अकरम पुलिस वाला नहीं है। सुनो, हेलो, इनकी बच्ची कहाँ फंसा दिया मुझे? ये खतरनाक अकरम मेरा दुश्मन हो गया है। अस्सलामुअलैकुम समीना भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आज अगर समीना भाभी आप और आयशा हमारा साथ ना देते तो पता नहीं क्या हो जाता। हमने तो हमेशा नन बन के ही दिखाया, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना, हिस्सा तक मांग लिया हमने तो।
जबकि वो सारा कारोबार तो जहीर भाई का और उनकी औलाद का था। अम्मा के जाने से हमारी सोच तो बदली, लेकिन आप दोनों ने आज हमें खरीद लिया। मैंने तो कुछ नहीं किया, बस यही सोचा कि जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ कोई और ना गुजरे। देखो फैमी, आज आयशा ने हमें बर्बाद होने से बचाया और उसकी बेटी ने तुम्हारी बेटी को बर्बाद होने से बचाया। एनी भी हमेशा यही कहती थी ना कि जो उसके साथ गुजरी है वो कभी नहीं होने देगी किसी और के साथ। अब गुमसुम क्या खड़ी हो, जरा खुद सोचो। सजाद भाई के जाने के बाद तुम बेआसरा हो गई थी, ना छत थी ना कुछ, और इस घर में ना माँ थी और ना बड़ा भाई। हबीब जैसा भाई जो ना बच्चों को पूछता है ना अपनी बीवी को, खुद गर्ज। अगर समीना भाभी जैसी भाभी ना होती तो कौन सहारा बनता? जो फैसला तुम करने जा रही थी जल्दबाजी में, हम और समीना भाभी तो तुम्हें रोक नहीं सके, लेकिन एनी ने हिम्मत दिखाई और रोक ली। चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, मैं लाती हूँ। आज फराज पापा ने बहुत अजीब सी हरकत की ना, जो कह रहे हैं कि तुम लोग की गाड़ी में ट्रैकर लगा था और वक्त पर पहुंच गए तुम लोग वहां पे। क्या हुआ, बात का जवाब नहीं दोगे? नाराज हो मुझसे? आखिर क्या तुम उसी बात पे नाराज हो जो मुझे लग रहा है? देखो ये जो तुमने बाहर जाने की रट लगाई हुई है ना, मैं बड़ी अम्मी को कैसे कन्विंस करूं जब मैं और खुद ही नहीं मान पा रही हूँ। तुम्हें खुद जो ख्वाब पूरे करने हैं वो तुम किसी ना किसी तरीके से कर ही लोगी, क्योंकि तुम पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हो। रह जाऊंगा मैं वही कपड़े वाला सेठ से? क्यों बोल रहे हो, मत सोचो ऐसा, तुम यहाँ पे भी तो रह के पढ़ सकते हो ना। कच्ची कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा।